हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट तीन टेक्निक से किया जाता है। सर्जरी, जिसमें हम कैंसर को सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं। कीमोथेरेपी, जिसमें हम नसों से कैंसर किलिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देते हैं। एंड तीसरी टेक्निक होती है रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो आज इस वीडियो में रेडिएशन क्या होता है और इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। जब भी हम किसी पेशेंट को कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन से बताते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करना होगा, कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसी के बारे में हम एक एक स्टेप पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑर्फिट, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में मास्क मेकिंग कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल कैंसर के लिए इंडिविजुअल शेप का मास्क बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको वाटर बाथ में डालते हैं। वाटर बाथ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होता है और उसको हम कुछ मिनट के लिए वाटर में पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन बनाते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली ही बीच बीच में ऑर्फिट को चेक करते रहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो मास्क है पूरा मेल्ट हो गया है। ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये बॉडी का कंटूर शेप में ले ले। जितना भी वार्म वाटर होता है उसको पहले हम क्लीन कर देते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये हल्का सा गुनगुना लगेगा, आपको हिलना नहीं है, ताकि पेशेंट ऑर्फिट मेकिंग के टाइम पर मूव ना करे और ये पर्टिकुलर जो कि हमें चाहिए होता है प्रिसाइजली बॉडी का शेप ले ले। और ये मैक्सिमम 5 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें पेशेंट का कंटूर ऑर्फिट में लेना है, वहाँ वहाँ से हम उसको प्रेस कर देते हैं। जैसे कि हेड एंड नेक में, पर्टिकुलरली चिन एरिया से, एब्डोमेन में, नवल, पेल्विस में, साइड से, थाइज़ के साइड से, पूरा उसको इस तरह से श्रिंक करते चले जाते हैं ताकि वो इंडिविजुअल पेशेंट का शेप ले। ये मास्क का इसीलिए बेनिफिट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कस्टमाइज है। एक मास्क एक ही पेशेंट पे यूज़ होता है और पेशेंट उसमें कंफर्टेबल रहे, इसीलिए उसको प्रिसाइजली बनाया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, ये ऑर्फिट मेकिंग है। जैसे कि मेरे हाथ में जो है, ये हेड एंड नेक कैंसर के लिए है। इसमें पूरा जो भी इस एरिया के कैंसर्स होते हैं उस एरिया का ये बनाया जाता है, हेड एंड नेक। तो इसी तरह से जब ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं तो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए बनाते हैं। जैसे कि ये दूसरा ऑर्फिट है, इसको हम ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इस हिस्से के लिए यूज़ किया जाता है और पर्पस इसका होता है कि पेशेंट इसको लगा के आराम से मशीन पे लेटे और हिले ना, ताकि हम बहुत प्रिसाइजली रेडिएशन डिलीवर कर सकें। 5 या 10 मिनट्स के बाद मास्क पूरा ड्राई हो जाएगा, वो पेशेंट की बॉडी का कंटूर ले लेता है, फिर हम पेशेंट को रिलीज कर देते हैं। तो ये बेसिकली पहला स्टेप होता है किसी भी रेडिएशन प्लानिंग का, मास्क मेकिंग और ऑर्फिट मेकिंग। अब ये मास्क आप देख रहे हैं, इसी को पहन कर पेशेंट डेली मशीन पर लेटेगा। नाउ सेकंड स्टेप, सीटी प्लानिंग। सीटी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये मास्क लगा के सीटी स्कैन मशीन में भेजा जाता है और उस हिस्से का सीटी स्कैन लेते हैं जिस हिस्से का कैंसर हमें ट्रीट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, इस पेशेंट का हम एब्डोमेन एरिया में पैलिएटिव रेडिएशन हमने प्लान किया है। अगर यही पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर के लिए होता तो ये हेड एंड नेक कैंसर का ऑर्फिट लगाकर मशीन के अंदर जाता और पर्टिकुलर उसी साइज़ का, उसी जगह का हमें सीटी स्कैन लेना है जहाँ हमें ट्रीट करना है। तो ये होता है सेकंड पार्ट, सीटी प्लानिंग। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि पेशेंट को एग्जैक्टली ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमें सिमुलेट करते हैं। जो सीटी स्कैन के टाइम पर प्लानिंग है वही ट्रीटमेंट के टाइम पे होनी चाहिए। इसी तरह से पेशेंट का बिल्कुल प्रिसाइजली रेडिएशन डिलीवर होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप्स पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंटूरिंग। कंटूरिंग करने के लिए, कंटूरिंग का बेसिकली पर्पस होता है, मतलब ये होता है कि हमें जहाँ कैंसर है उस स्ट्रक्चर्स को बनाने हैं और जहाँ कैंसर नहीं है उसको बनाना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रजिस्ट्रेशन पैट सीटी से या एमआरआई से। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने इसको पैट सीटी के साथ फ्यूज़ किया है। जो हमारा प्लानिंग सीटी था उसको मैंने पैट सीटी के साथ रजिस्टर करके कहाँ कैंसर है, कहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और इसका पर्पस बनाने का ये होता है कि हम कैंसर को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन दें और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कम से कम दें,
जैसे कि फाइनल स्टेप होता है प्लान इवेल्यूएशन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो रेड एरिया है वो बेसिकली कैंसर वाला एरिया है, जहाँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा डोज देना है, और जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कैंसर के पास, उसे हमें कम से कम रेडिएशन देना है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको हेड एंड नेक कैंसर का दिखाया है, जो कि लेफ्ट साइड लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग का केस था। अब कंटूरिंग के बाद, प्लान इवेल्यूएशन के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स आपने जितना सब कुछ बनाया उसको एग्जैक्टली ट्रीटमेंट पोजिशन में ट्रीटमेंट डिलीवर करना। ये केस है हेड एंड नेक कैंसर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेड एंड नेक कैंसर का इस तरह का ऑर्फिट होता है, जैसे हमने सीटी के टाइम पे ऑर्फिट लिया वैसे ही हमने यहाँ पे लगा दिया। पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, पेशेंट की एग्जैक्ट पोजीशन बना दी। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो हैंड रेज करेंगे बट मूवमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एग्जैक्ट पोजीशन इम्प्लीमेंट कर दी, जैसे कि हमने सीटी के टाइम पे किया था, और हम यहाँ पर आके एक क्रॉस इमेज लेते हैं ये चेक करने के लिए कि जहाँ हमने ट्रीटमेंट देना है और जहाँ अभी जा रहा है वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं इमेज मैचिंग। ये आजकल रेडिएशन टेक्निक का बहुत ही एडवांस मॉडलिटी होती है। इसमें पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट डिलीवरी के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और यही एडवांटेज है लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक का। यू कैन डिलीवर प्रिसाइजली रेडिएशन विद मिनिमल साइड इफेक्ट। ये जैसे कि मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया रेडिएशन के प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। तो रेडिएशन बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉडलिटी है, बहुत ही एडवांस टेक्निक है कैंसर ट्रीटमेंट की, और इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैम बहुत साइड इफ़ेक्ट है, हमने सुना है साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट ऑल आर मैनेजेबल। जिन पर मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ बनाऊँगी कैंसर स्पेसिफिक रेडिएशन ट्रीटमेंट और उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपको कैंसर के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।